ट्रेल्स। ये रास्ता में पता नहीं कहाँ जा रहा है, बट हम बस चलने में लगे हुए। अरे हाँ ओहो। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल भंडारी जी। आई एम योर साइक्लिस्ट फ्रेंड नीरज भंडारी। स्वागत करता हूँ आपका इस अंधेरी और ठंडी सुबह में। तो आज है संडे और आज हमारी है ग्रुप राइड। एज ऑलवेज हमेशा की तरह लेट 6:10 पे मैं लोगों को खुद बुलाता हूँ और 6:30 होने वाले हैं। वैसे मेरी ट्रिक होती है, मैं सारे ग्रुप मेम्बर को ना जल्दी बुला देता हूँ ताकि एटलीस्ट सारे टाइम से तो आ जाए। एंड आज की राइड की ना खास बात ये है, खास क्या बुरी बात ये है कि हमें पता ही नहीं कहाँ जाना है। ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने लेके जाऊंगा, वैसे हर संडे डिसाइड मैं ही करता हूँ, बट इस संडे मेरे पास डिसाइड करने के लिए कोई लोकेशन ही नहीं थी। वहीं पे चर्चा करेंगे कि आज कहाँ जाना है। मेरे नल्लो, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, देखना नहीं क्या रात को? ओ माय गॉड। और आज की राइड हो चुकी है हमारी स्टार्ट, और आज ना पूरे 20 लोग आ रखे भाई साहब। एंड अभी डिसाइड किया हम लोग जा रहे संतला देवी मंदिर, लेट्स गो। तो चलो, पूरी उजाला हो चुका है, सबसे पीछे मैं ही हूँ। होता क्या ना, मेरे उसमें मोस्टली यंग राइडर्स आते हैं, तो कोई आगे रह जाता है, कोई पीछे रह जाता है, एंड अकेला फिर संभाला नहीं जाता ना। तो जब सब आगे चले जाते हैं उसके बाद मुझे पीछे रहना पड़ता है कि सारे कोई छूट तो नहीं गए। जैसे एक राइडर मेरे पीछे है, अभी ये थोड़ा पीछे छूट गया है, एंड 19-20 लोग आ रखे यार। बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में संभालना। जो मेरे दोस्त लोग थे ना जो मेरे साथ राइड करते थे पहले, वो तो आ ही नहीं रहे, तो फिर मेरी हेल्प करने वाला कोई रहता नहीं, मुझे अकेले मैनेज करना पड़ जाता है। पहले ऐसा होता था कि मेरे साथ वाले उनको होते थे, मैं उनको बोल देता था कि तुम आगे रहो मैं पीछे रहता हूँ, या फिर मैं पीछे आगे रहता हूँ तुम पीछे रहो, बट अब कोई आता ही नहीं है। अब ये तो उसका जस्ट मैं है, पुनीत का, पुनीत सुपरस्टार वाला। कौन लाया ये? मेरा फेवरेट चश्मा है यार, कौन लाया है? और ये देखो गाइस, हमारे भाई को क्लब मेंबर, किसी क्लब मेंबर ने ये चश्मा गिफ्ट किया है, पुनीत सुपरस्टार का चश्मा है ये, और इसको पहन के मुझे बहुत ताकत आई है। ऑलराइट, फाइनली अपन लोग जंगल के अंदर आ चुके हैं। ये जितने भी राइडर्स हैं ये वैसे तो बहुत तेज भगाते हैं, अभी जैसी चढ़ाई आई ना तब अपना पीछे हो गए। तो यहाँ पे ना आर्मी एरिया, इसलिए मैं ऊपर करके बात कर रहा हूँ। मतलब मेरे, मैंने कहा था ना पीछे रहके इतना आगे रहूंगा तो भी प्रॉब्लम, पीछे रहूंगा तो भी प्रॉब्लम। अभी मैं पीछे था और इनको रास्ता बिल्कुल नहीं पता, और प्लेन रोड थी ना तो भगाने में लगे हुए, तो सारे के सारे राइडर आगे गलत रास्ते भाग गए और अब वापस आ रहे आगे। सभी मैंने कॉल किया, अभी पीछे आ रहे। ऑलराइट, फाइनली अपन लोग बढ़िया सी लोकेशन पहुंच चुके हैं जहाँ पे थोड़ी अच्छी सांस आ रही है, और फाइनली धूप भी आ चुकी है भाई। और ये सारे नल्ले बेरोजगार, ओए मेरे चश्मा देखो, मेरे चश्मा पहन लिया उन्होंने। लेट्स हिट द ट्रेल। फाइनली अपन लोग ट्रेल पे आ गए, ट्रेल है कि नहीं पता नहीं है। ट्रेल्स। ये रास्ता में पता नहीं कहाँ जा रहा है, बट हम बस चलने में लगे हुए। ओहो डॉगी डॉन्स, आराम से परेशान मत करना भाई, वो इतने सारे हैं। आमतौर पर मैं अकेला एक्सप्लोर करता हूँ, नई ट्रेल्स ढूंढने की कोशिश करता हूँ, बट आज अपने पूरे क्लब के साथ यानी ट्रेल एक्सप्लोर कर रहे हैं। हु। आ, आ, ओ खराब रास्ते, ओहो ये रास्ता तो नदी में जा रहा है। बट अभी गर्मी आनी है तो हम नदी में जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत हवा चल रही है, ठंडा बहुत हो रहा है। और मुझे पता है अगर मैं नदी में गया ना, मेरे साथ ये छोटे बच्चे जितने भी है ना ये भी नदी में आएंगे, बट मैं नहीं चाहते कि लोग नदी में आए। ओहो 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 ऑलराइट, अपन लोग पहुंच गए नदी में, और कुछ खूंखार प्राणी हमारे ग्रुप के आ जा। अरे कहाँ यार है शेर, ओ पहुंच गया। वापिस भी आ जाएगा, वापिस आ जाएगा तू? भाग क्या, लंबा रन अप ले उसको, तो आने दे। अरे हाँ ये तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया। इधर के चलने
All right, अब हम जा रहे हैं यहाँ से वापस। आज हम ऐसे कुछ खास लोकेशन में नहीं आते, बस हम ऐसे एक्सप्लोर करने आए थे। संडे राइड थी तो संडे राइड भी कर ली एंड अराउंड 50 किलोमीटर की मेरी आज भी राइड हो जाएगी। गाइस, इनको लगता है कि भंडारी जी तो शुरू से GoPro या आईफोन वाले हैं। इनको क्या पता, 1.5 साल तक पूरा 12,000 रुपए के फोन से मैंने शूट करके, मतलब वो ये 6 से 8 हज़ार सब्सक्राइबर मेरे पूरे 12,000 रुपए के फोन से आए हैं। मुझे ये पता है, ऐसे 2 उंगलियों से ऐसे पकड़ता था मैं। फाइनली हमारी राइड पूरी खत्म हो चुकी है, सभी लोग अपने अपने घर के लिए निकल चुके हैं। ऑलराइट, तो दोस्तों फाइनली बैक टू होम। अब करता हूँ फटाफट नाश्ता एंड उसके बाद थोड़ा घूमने का प्लान है, तो निकलते थोड़ा घूमने के लिए। ये देखो ये मक्खी चोर, इसे चाहिए 5 टाइम का खाना और 10 टाइम की नींद और हाथ में आना सिर्फ 5 सेकंड के लिए। ओके ऑलराइट यार, अभी ना शाम के बज रहे 4 और मैं ना सो गया था और जो घूमने का प्लान था वो हो गया कैंसिल। तो सोच रहा हूँ जरा फुटबॉल खेलने चला जाऊँ। इट्स बीन मोर देन 1 ईयर के मैंने फुटबॉल नहीं खेला है। फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें वो बहुत अच्छा था एंड बहुत पैशनेट होकर खेलता था। सो लेट्स गो एंड प्ले फुटबॉल। आज मैं ट्राई करता हूँ कि मैं GoPro सर पे लगा के फुटबॉल वाला वीडियो बना सकूँ। ऑलराइट, ये रही हमारी फुटबॉल किट। और हम जितने भी फुटबॉलर्स होते हैं ना, बचपन से हम लोग मतलब किट ऐसे हाथ में पढ़ के लेके जाते हैं अपनी। तो अभी मेरे जो पड़ोस में दादी आया ना, वो कह रही है हाथ में क्यों जूते लेके जा रहा है, तेरे पास पन्नी नहीं है घर में। अब बढ़िया शूट हो रहा है। हो गाइस, स्किल्स, 1 साल बाद फुटबॉल एंड स्किल्स। फुटबॉल में हवा कब है, फुटबॉल का ब्लैडर तक बाहर आ रखा है। गाइस अब शूट मारेंगे पूरे 1.5 साल बाद। पोल पे मारता हूँ, पोल पे। पोल बच गया, छोड़ो। अब हम यहाँ काम दिखाते हैं, हम लोग क्या खेलते हैं। हम लोग खेलते हैं अपना लोकल इट्टा टच, ईटे में जो मारेगा गोल, क्योंकि वहाँ है और वहाँ है। 5-5 की टीम में तो हम भाग नहीं पाएंगे ना। और ये है गाइस मेरा स्कूल एसजीआर नेहरू ग्राम, जहाँ मैंने पढ़ाई की है और आज अपने स्कूल के छोटे बच्चों के साथ में खेल रहा हूँ। तो ये लगा दिया हमने गोल पोस्ट, ईटा टच। स्टार्ट, आगे खेलो यार भाई, हम तो पीछे खेलेंगे भाई। आगे खेलो यार, आगे खेलो भाई, तुम फॉरवर्ड जो भी आगे वाले। फीफा फीफा, नाइस बॉल दे दे। पीछे 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 कोई है। हाँ आगे देना, दूरा टिकट का खेलते। अरे आ गया, लाइन पे आ गया, जाओ से मांगो, फंस गया। आजा आजा, हाँ हाँ, लेट कर दी भाई, पीछे कोई नहीं है। हेलो करूँ भाई, हाँ नंगे पाऊँ तेरे। अबे भाई आर्यन शोल्डर दो से आउटसाइड, मांगो आगे डालो। छी यार क्या कर रहे हो, या तो पास ही दे लो ना। ओए यार ये टच हो गया, आ जा आ दूं। आगे खेलो, दो यार ईट ईट से मार देना। अरे कल के हो गए क्या, दे ही देते। ओ यार ये ले, बैन का है। बच गया ईट, ले आ जा। लेट कर दी, कितनी स्किल दिखाई थी, आती बढ़िया। ये ले, ये लो। अरे जीरो कर, ओरे बॉल है, मार दो मार दो मार दो मार दो। ओ भाई गुरु भाई, हिट कर हिट कर हिट 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 मारना। ओ भाई बच गया, अगर भाई ओ आगे ना आगे ना। ओए थकान लग रही यार। साले यार, और
ऐसे अच्छा भगाओ ना, भगा दो, अब दे दो। क्या आया करूँ भाई, हट, क्या करो, ये बॉल पे चढ़ना पड़ता है ना बीच से। अरे यार ओ अबे ओए क्या हो रहा है यार, ये इतने बज रहे, एक लग नहीं रहा यार। Alright, तो finally football match is finished. And सबसे best part है कि जैसे मैंने कैमरा बंद किया ना, मैंने गोल मारा। And अगर यकीन नहीं आ रहा, तो अगर कल को मैं वीडियो बनाऊंगा ना एक और, तो उसमें बच्चों से पूछ लेना। तो पुराने दिन वापस याद आ गए, मतलब स्कूल और कॉलेज टाइम पे, मतलब इतना खेलते थे, इतना फुटबॉल खेलते थे, बॉडी इतनी एनर्जेटिक रहती थी ना। मतलब फुटबॉल का यही फायदा है कि फुल बॉडी का वर्कआउट हो जाता है, बहुत मजा आता है। एंड मेरा फुटबॉल खेलने का मन इसलिए गया क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप चल रहे थे, तो उसको देख के ऐसे बॉडी में ऐसे मतलब कीड़े काटने लगे, नहीं कल फुटबॉल खेलने जाना है। एंड गाइस, अगर आपको पसंद आया होगा ना मेरा GoPro लगा के आपको फुटबॉल खेलना दिखाना थोड़ा बहुत वीडियो के एंड में, या फिर इसके ऊपर वीडियो और बनाने, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मेरे को तो बहुत मजा आया। तो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को मैं करता हूं, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। बट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, इफ यू गाइस वांट टू शेयर एनी ऑफ योर फुटबॉल मेमोरी, एनी स्पोर्ट मेमोरी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं जरूर पढ़ूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर स्पोर्ट्स की बातें होती है। तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।